देखते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। आइए देखते हैं हत्ती लेना ग्राम के लोगों का क्या है कहना। ग्रामीणों की समस्या सबसे बड़ी रोजगार है और इस ग्राम में आज तक विधायक विजय वडेट्टीवार पहुंचे ही नहीं है। इस ग्राम के विजय वडेट्टीवार कार्यकर्ता के माध्यम से ही चुनाव प्रचार करते आए हैं। आइए देखते हैं क्या कहते हैं ग्रामीण लोग। हम लोग इस वक्त ब्रह्मपुरी विधानसभा का ही यह गांव है। इस गांव का नाम थोड़ा सा अजीब है, हत्ती लेंडा करके इस गांव का नाम बताया हमें गांव वालों ने। लगभग इस गांव में अभी एक वैसे तो गांव के लोग मुझे यहां के सारे धार्मिक लगे। यहां अभी फ़िलहाल इस गांव में शारदा उत्सव मनाया जा रहा है और लोग कैसे छोटे से, जैसे हम शहरों में जो उत्सव देखते हैं दुर्गा उत्सव और शारदा उत्सव, बहुत बड़ी बड़ी लाइटिंग्स होती है, बहुत बड़ा वहाँ तामझाम होता है, ऐसे ही इसमें गांव वाले अभी परंपरागत त्यौहार मना रहे हैं लेकिन छोटे पैमाने पर मना रहे हैं और उसी में वो लोग समाधानी है। लेकिन अब इस गाँव में क्या क्या, यानी यहाँ के जो स्थानीय विधायक है विजय वडेट्टीवार, उन्होंने इस गाँव को क्या क्या योजना उससे जोड़ा हुआ है और कैसा विकास उन्होंने किया है, ये जानने का भी हम लोगों से प्रयास करेंगे। मेरे साथ देख रहे हैं आप, बहुत सारे गांव वाले जुड़े हैं। बताइए आपका गांव क्या नाम है आपका? अनिल दुपारे। दुपारे जी, आपके गांव में रोजगार का क्या साधन है? रोजगार का कोई साधन नहीं है, अभी ब्रह्मपुरी जाते हैं हम। ब्रह्मपुरी जाते हैं, यानी मजदूरी करते हैं। मजदूरी के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है? दूसरा काम। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपके गाँव में क्या नाम है आपका? तीर्थराज। तीर्थराज जी, आपके गाँव में घरकुल कितने, यानी जो प्रधानमंत्री आवास योजना है केंद्र की सरकार बोल रही है 2022 में हम पूरे देश में हर किसी को घर देंगे, मकान होगा, आपके यानी ये इस गांव में क्या है, मकान मिले हैं या नहीं मिले? नहीं मिले, 10 साल हो गए। 10 साल हो गए हैं यहाँ मकान नहीं मिले? नहीं मिले। अच्छा, यहाँ के बच्चे पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? गांव में स्कूल है। कौन से, कितने क्लास है यहाँ? 4th वर्ग। कितने टीचर है उसमें? एक। तो मुझे एक बात बताइए, जैसे वो सामने वाला जो गाँव था उसमें 2 टीचर हैं, पहली और दूसरी की क्लास एक ही साथ ली जाती है, तीसरी की और चौथी की साथ में लेते हैं, ऐसे दोनों टीचर पढ़ाते हैं। अब आपके गांव में एक ही टीचर है तो कैसे पढ़ाते होंगे बच्चों को, बताइए? चारों क्लास एक ही साथ में? एक ही साथ में चारों क्लास, यानी पहली का भी बच्चा चौथी पढ़ रहा है, दूसरी का बच्चा तीसरा पढ़ रहा है, यानी सारी कक्षाएं एक ही साथ लेकर वो बच्चों को ये किया जा रहा है। तो ये समस्या लेकर कभी आप विधायक के पास गए हैं? नहीं। अच्छा, आपके गाँव में विधायक कितनी दफा आए हैं? एक बार भी नहीं आए। पहली बार जब चुनाव हुआ होगा 2014 में तब तो आए होंगे? आए ही नहीं। वोट मांगने उसका चेहरा ही नहीं देखा हमने। वोट मांगने नहीं आए थे वो? नहीं, नहीं। उसके कार्यकर्ता आते ना। अच्छा, उनके क्या नाम है आपका? सुनील। सुनील बताइए, उनके कार्यकर्ता ही आए थे आपके गाँव? हाँ, कार्यकर्ता आते। यानी चुनाव के समय भी वो नहीं आए थे 2014 में? नहीं नहीं नहीं, यानी आपने सिर्फ कार्यकर्ताओं के देखकर ही उन्हें वो मतदान किया हुआ। लगभग आपका गांव, आपको क्या लगता है, विकास से दूर है कि क्या है, यानी विकास की गंगा इस गांव में बह रही कि नहीं बह रही? नहीं बह रही। गंगा ही नहीं बह रही है? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, यहाँ जो विधायक है, क्या नाम है आपका? सूरजमय। बताइए, यहाँ के विधायक जो है वो सकारात्मक, यानी सकारात्मक है कि नकारात्मक है? वो भी नकारात्मक है विधायक। तो लगभग इस गांव में, हमने अभी कुछ महिलाओं से भी चर्चा करेंगे, आपके गांव में बचत गट वगैरह है? आप बचत गट वालों को लोन वगैरह मिला है? लोन वगैरह कुछ नहीं मिला? अच्छा, आप बताएंगे। हाँ, लोन मिला है आपके गांव में? नहीं, किसी को लोन नहीं मिला? नहीं। अच्छा, फिर महिलाओं के लिए बचत गट की जो स्थापना की गई कि महिलाएं रोजगार करेगी, अपना रोजगार खड़ा करेगी, तो ऐसा रोजगार आपके यहाँ कुछ खड़ा नहीं हो पाया? नहीं जी, कुछ भी नहीं हुआ है? नहीं नहीं। फिर आप जैसा बचत गट चलाते हैं, आपने पंचायत समिति में रजिस्टर्ड किया होगा ना? हाँ जी। तो फिर बैंक वालों से कभी कर्ज नहीं मांगा आपने? नहीं नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा? उसको यानी वो दिया नहीं क्या उन्होंने? नहीं, कर्ज दिया नहीं हमने, लिया नहीं। अच्छा, तो फिर जब बचत गट था तो आप स्वरोजगार भी तो कर सकते थे ना बचत गट के माध्यम से? हमारे यहाँ वो पशुपालन का है, घर घर में, घर घर में, यानी सभी का इंडिविजुअली पशुपालन है? ओ जी। तो सभी जन अपना व्यापार कर रहे हैं अपना, इसलिए कभी आपको गरज नहीं पड़ी? नहीं। जैसा कि यहाँ इस गांव में महिला बचत गट तो है, लेकिन महिला बचत गट वालों ने कभी लोन नहीं निकाला क्योंकि उनके घर में ही स्वयं पशुपालन है। कितनी बकरियाँ वगैरह है आपके पास? हमारा से एक घर ऐसा है कि हमारे घर में नहीं है, सबके घर में, घर में है। कितनी कितनी बकरियाँ बताइए, कितनी बकरियाँ आपके घर में? दो, 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 दो,
दसगाय बकरिया यानी लगभग हर घर में बकरिया जो है और भैंसे वगैरह है वो है। अच्छा, इस गांव में मेन यानी कौन सा कारोबार है, यानी आप इस गांव में जीवन कैसे बिता रहे? मजूरी। मजूरी? हाँ, खेत की मजूरी। खेती की मजूरी करना है? हाँ। उसके अलावा कोई काम नहीं? नहीं जी, नहीं। लगभग ये गांव में रोजगार के जो साधन है वो नदारद है, किसानी में ही रोजगार यहाँ के लोग अपने तलाशते हैं। इस गांव में 2014 के जब चुनाव हुए थे तो इस गांव में विधायक के केवल जो कार्यकर्ता होते वही आए थे, विधायक तो कभी इस गांव में आए नहीं है। और ऐसे कई समस्याओं को लेकर यह गांव अपने आप में ही एक छोटा सा क्या कहा जाएगा, एक दूर दराज का गांव, जबकि यह गांव मुश्किल से 7 किलोमीटर दूर होगा, ब्रह्मपुरी से 7 किलोमीटर दूर होगा। लेकिन 7 किलोमीटर होने के बावजूद भी यह गांव विकास से काफ़ी कोसों दूर है। इस गांव में ना ही सड़कें वगैरह बनी है, ना ही नालियां बनी है, ना ही स्ट्रीट लाइट हमें एक दो ही दिखी है। अच्छा, ये गांव जो है ग्राम पंचायत है क्या ये गांव में? नहीं, 5 गांव की गट ग्राम पंचायत। अच्छा, यह गांव जो है ग्राम पंचायत में नहीं आता, ये गट ग्राम पंचायत में आता है, यानी लगभग ये 5 गांव मिलकर एक ग्राम पंचायत होती है, वैसा ये गांव है। और इस गांव के लोगों की काफ़ी समस्या है, पिछले 10 वर्षों से इस गांव में घरकुल जो होता है, यानी जो प्रधानमंत्री आवास योजना अभी कहा जाता है उसे, उसका एक भी घर इस गाँव में मिल नहीं पाया अब तक। रोजगार के साधन नदारद है इस गाँव में, इसकी योजना भी नहीं चल पाई है मनरेगा की, जिसके चलते इनको कुछ रोजगार मिल पाता। मैं कैमरामैन नीलेश पशिने के साथ निशान भाई। ऐसे कई ग्राम जो ब्रह्मपुरी विधानसभा क्षेत्र के, आपको हम हर ग्राम की समस्याओं से ऐसे ही रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का, ब्रेक से लौटने के बाद हम आपको दिखाएंगे ब्रह्मपुरी ग्राम के हर एक ग्राम। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं, प्ले स्टोर में जाइए MNS हिंदी लिखिए और डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक एंड इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बने रहिए MNS न्यूज के साथ। धन्यवाद। पिताजी, मेरा रिपोर्ट कार्ड, मैं फिर से फेल हो गया। सिर्फ जुबान पे लगाम लगाता है, हाथ पे नहीं। सिंगम